श्रीरामपुर थानार अंतर्गत श्रीरामपुर पौरसभार 29 नम्बर वार्डेर सुभाषनगर हाउसिंग कमप्लेक्से परपर तीनटि आवासने चारटि फ्ल्याटे लक्षाधिक टाकार गहना ओ दामी सामग्री गायब करे उधाओ चोरेरा। एरपरई खबर जाय श्रीरामपुर थानाय। घटनास्थले पुलिश गिये गोटा घटनार तदन्त शुरू करेछे। इतिमध्ये आवासनेर बाइरे थाका सिसिटिभि क्यामेरार फुटेज संग्रह करेछे पुलिश। अन्यदिके दुःसाहसिक एई घटनाय निरापत्ताहीनताय় ভুগছেন হাউজিং কমপ্লেক্সের বাসিন্দারা। তারা জানান আবাসনগুলিতে তালা লাগানো ছিল, পরিবারের সদস্যরা বাইরে যাওয়ায় বন্ধ ছিল সেই আবাসন। এই সুযোগে হাত সাফাই করে চোরেরা। ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ঘরে রাখা লোহার আলমারির তালা ভেঙে তাতে রাখা নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে উধাও হয় চোরেরা। পুলিশের অনুমান, শনিবার গভীর রাতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রভা মেহতা নামে এক বৃদ্ধ মহিলা জানান, তিনি 23 বছর ধরে বসবাস করছেন। এমন ঘটনা এর আগে কখনো হয়নি। একের পর এক ফ্ল্যাটে পরিকল্পিতভাবে ডাকাতি হয়েছে। हमारा नाम प्रभा मेहता। ये हमारे अगल बगल दोनों फ्लैटों में चोरी हुआ है। अब ये कब हुआ है? रात को मिडनाइट, ऐसा हम लोग को कोई भी आभास नहीं हुआ, जरा भी सेंस भी नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है चोरी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सवेरे जब उठे हैं तो देखते हैं कि दोनों तरफ का ताला टूटा गया है। उनके जो मालिक थे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया और ये ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान्ड है, यहाँ का ही कोई है जिसने ऐसा किया है, क्योंकि बहुत प्लानिंग के साथ ये चोरी की गई है। तो अब इसका पता तो लगाना जरूरी है। हमको यहाँ रहते हुए 23 साल हो गया। 23 साल में हमारे पूरे कैंपस में ऐसी कोई घटना नहीं, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है 23 साल में। हाँ, भय तो होगा ही, स्वाभाविक है भय होना ना, क्योंकि ऐसी घटना कभी यहाँ देखी नहीं। हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। हाँ, पुलिस सवेरे आई थी, आश्वासन यही मिला कि बस आप लोग आइए पुलिस थाना में खबर कीजिए। तो एक तो फ्लैट ऑनर है, एक नहीं है, तो अब लोग अपना अपने आके अपना जो फॉर्मेलिटी होगा वो पूरा करेंगे। हाँ, जो लोग नहीं है, जहाँ ताला लॉक है, कैंपस में कम से कम 4-5 जगह ऐसा चोरी हुआ है। रंजित कुमार आर्य जानान, तिनी तार पूरो परिवार निये शल्ट लेके तार आत्मीयर बाड़ीते गेछिलो। सकाले तिनी खबर पान तार फ्ल्याटेर ताला भेंगे नगद टाका निये पालियेछे चोरेरा। मने होच्छे परिकल्पित भावे चुरीर घटना घटेछे। ये हम लोग का कल रात में नहीं थे, हम लोग गए थे सॉल्ट लेक में गए थे। तो सुबह जब हमको फोन किया तो पता चला मेरा रूम का ताला पूरा टूटा हुआ है और हम लोग का जो कैश था और जो गोल्ड वगैरह था पूरा लेके पूरा चला गया है। हमको ये सुबह पता चला। कैश करीब था 40-45 हज़ार कैश था, उसमें बच्चे सब का कुछ गुल्लक वगैरह का था और वाइफ का कुछ गोल्ड था, चेन था, बाली वगैरह था, कान का था, नथ वगैरह था। चोरी ये प्लानिंग के साथ ही हुआ है, क्योंकि जिस तरह का है ये, हम कल सामने निकले किसी को पता नहीं है, इसको मतलब कोई वाच करता होगा जो कि हम नहीं जान रहे हैं कौन सा है, उसी के चलते ही हुआ। नहीं, अभी तक तो हमको किसी को ऐसा शक नहीं है, क्योंकि हम तो किसी को अपना, हम तो इधर नया ही आए हुए हैं अभी 1.5-2 साल। কমপ্লেক্সের প্রধান ফটকে নিরাপত্তা প্রহরী থাকার পরেও এ চুরির ঘটনায় কমপ্লেক্স ও আশপাশের এলাকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। চুরি হয় রাত সুবে 6:30 বাজে। जब मैं उठा हूँ तो मुझे हमारे पड़ोसी अपूर्व राय का फोन आया कि मेरे गेट के बाहर की छिटकनी बंद है, उसको थोड़ा खोल दीजिए, ठीक है। तो मैंने मेरी मिसेज को भेजा है, उसको खोल दीजिए। तो उसने जब खोलने आया है तो उसने देखा इसका भी गेट खुला हुआ थोड़ा सा, तब देखा तो उसका लॉक नीचे टूटा हुआ पड़ा था डोर। उसके बाद हम लोगों ने उसको, जिसका फ्लैट है उसको फोन किया कि आप कहाँ हैं, आप आया है क्या? बोला नहीं, मैं तो नहीं आया, हूँ घर ही हूँ। तो मैंने, हमको लगा तुम्हारे घर में कुछ हुआ है, गेट खुला हुआ है। तब उसको फोन किया तो उनके रिलेटिव आए हैं, श्रीरामपुर में रहते हैं, महेश में। उनको आने के बाद FIR दर्ज किया है। उसके बाद देखा गया कि पूरा उसका अलमारी वगैरह सब भर का तोड़ा हुआ, तीनों उसमें से कपड़ा वपड़ा नीचे फैला हुआ है और उसका जो कैश वगैरह जो बता पाएगा वही कितना गया है वो सब ले गया है। सोना वगैरह, सोना कैश जो भी था उसका चला गया, पूरा बॉक्स वगैरह खाली है। हाँ, बड़ा आइटम कुछ भी टच नहीं किया, बड़ा आइटम नहीं, खाली वो गांव गया हुआ है बंद करके। 28 तारीख घर चला गया था और बंद था। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह शेखावत है, मैं उन्हीं के पड़ोस में रहता हूँ 203 में, और ये चोरी हुआ 205 में। न्यूज आज बांग्ला, हुगली। কংক্রিটের জঙ্গলে হাঁপিয়ে উঠেছেন, কাজের জগতে ডুবে থেকে শরীর মন ক্লান্ত, নীল নির্জনে খুঁজে নিন নিজেকে, ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে যান সুনীল জলরাশিতে, শহরের ধুলো ধোঁয়া থেকে বহু দূরে এক নতুন ভুবনের স্বাদ। আরামবাগ হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াটার পার্ক, সুইমিং পুল, কনফারেন্স হল, ডক্টর অন কল, এসি অ্যান্ড নন এসি কটেজ, সুইট অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ সুইট রুমস, মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট, মাল্টি জিম, স্পা, বোটিং, ফিশিং। আরামবাগ হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট প্রাইভেট লিমিটেড, আরামবাগ, হুগলি।